अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द शेक स्क्वायर। सो गाइस, आज हम आए हैं एक गाँव जहाँ पे गुड़ बनाते हैं। तो हनी जो मेरा कज़न है, हम इसको गुड़ की सौगात भेजनी थी कराची, तो उसके लिए हम स्पेशली यहाँ पे उसके लिए फ्रेश गुड़ बनवाने आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हनी सो एक्साइटेड है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर आया है। और कराची एक मज़े की जो हमारी यहाँ की गांव की सौगात होती है ना, वो लेके जाएगा। सो चलिए चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि गुड़ किस तरह बनाया जाता है और उसका सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, आप ये देख रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, फैलना बोलते हैं इसको, जहाँ जिसके अंदर गुड़ बनाते हैं। और हनी उसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेला लगा हुआ है, गुड़ बनना स्टार्ट हुआ है, सुक्का लगाया हुआ है, चाय शाय पी रहे हैं भाई। ये देख रहे हैं आप, भाई ने फुल हुक्का शुक्का सीन किया हुआ है यहाँ पे ना, गन्ने का रस भी पीना, लेकिन वो मशीन खराब हो गई है, मशीन उनकी खराब हो चुकी है। तो इस वजह से हम फिर हम आपको उसका भी थोड़ा वो बनता नहीं करता पड़ता तीन चार बार। सो हनी कैसा एक्सपीरियंस? आप देख रहे हैं तैयार हो रहा है। ये है मेन क्रेट जहाँ पे गन्ने के रस को डालते हैं ताकि इसके ऊपर से जो उसकी मैल होती है उसको निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये अच्छी तरह बॉयल हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ये इसकी भट्टी है जहाँ से धुआं निकल रहा है, क्योंकि इसका लिंक वहाँ पे है सामने, यहाँ से आप देख रहे हैं। जब ये यहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है तो इसको आप ये आप पाइप देख रहे हैं, पाइप के ज़रिए हम इसे इस बड़े कढ़ाई में डाल देते हैं जहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल होता है, और इसके ऊपर से गंदगी को निकाल देते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये भाई देख रहे हैं, ये नीचे इसको आग को तेज़ करने के लिए नीचे इसके अंदर डाल रहे हैं। ये बेसिकली गन्ने का ही जो छिलका होता है ना, इसको सुखा के अच्छी तरह से ना, तो इसको ही ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। काफ़ी मेहनत वाला काम है। पिछला स्टॉक आ गया, पीछे फिर की हुई है। अभी ये तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, जड़ी बूटी है, आप समझ रहे हैं इसका कोई काम नहीं, लेकिन ये गन्ने के रस को साफ़ करने के लिए, मतलब उसके अंदर शाइन लाने के लिए, उसके अंदर कालापन ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी पंजाब, ये भी पंजाब का ट्रेंड है, ट्रेंड है, जिस तरह के मतलब इधर का ये एक हर एक मतलब कल्चर होता है जिसमें इधर बूटी सलवार कमीज झटकट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हनी बिल्कुल सही कह रहा है, हनी सीख गया बहुत कुछ यहाँ का, हम जट है ना। हनी बहुत बड़ा जट है, हनी सिद्धू मूसे का बहुत बड़ा फैन है। अब हनी आपको बताएंगे कि इसका क्या फायदा है। हाँ हनी बताओ इसका क्या फायदा है। क्या फायदा है कि मतलब इसको ये लोग यूजलेस नहीं करते, इसको यूज में लाते हैं, इसको बंद कर देते हैं, उसी नहीं मतलब फिर उसके गुड़ बनाने के पर्पज में इस्तेमाल हो जाता है, ताकि फिर ये उससे ये फायदा है कि हर चीज मतलब कोई चीज यूजलेस नहीं जा रही। हैदर साहब यहाँ पे टुनु है पड़े हैं, नाश्ता नहीं किया इसने सुबह से, हनी साहब ने भी नाश्ता नहीं किया, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया वैसे, बहुत भूख लगी हुई है। हनी इसी खुशी में देखें हुक्का पी रहा है, हनी खाली पेट हुक्का नहीं पीते, ये देखें। यहाँ से जब रस तैयार हो जाता है अच्छी तरह से, उसको इसमें डाल देते हैं, ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, अब इसके इस तरह से पीसेस बना लेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, आप देख रहे हैं। ये मोर पानी नहीं क्यों आ चला में ना।
ये काफी गरम गरम होता है, उसको गरम गरम ही बनाना होता है। मैं टेस्ट करके बताऊंगा कैसा। काफी टेस्टी है, काफी मेहनत वाला काम है। हमें गरम गरम हाथ से निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये बैठे यूट्यूब ब्लॉगर सेलिब्रिटी, आप इनसे वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, डेमो ले सकते हैं, डेमो। और वो सारे हमने एक सुनी और कोई नहीं। भाई सबसे मेहनती बंदा ये है, रात के पास बैठ के। अब ये गुड़ बन के तैयार हो चुका हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। अब ये ड्राई हो चुका है और हनी आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। हाँ हनी, कैसा है? जबरोन जबरोन है। अब हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे, देख रहे हैं। और अभी हनी लेके जाएगा कराची। और ये पैकिंग हो चुकी है भाई, अपना हिस्सा ले रहे हैं बीच में से। भाई सारा ना लेना यार। लो जी, हनी के लिए हमने गुड़ बनवा लिया, पैक भी हो गया। अब इसको गाड़ी के अंदर रख रहे हैं, अभी हनी इनको कराची लेके जाएंगे बाहर। हाँ, हनी बहुत खुश है। यस, आई एम सो एक्साइटेड। तो हनी अभी बहुत खुश है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब हनी से उसका रिव्यू लेते हैं कि हनी ने पंजाब में कितना मज़ा किया है और कितना इसने चिल किया यहाँ पे, और उसको यहाँ पे मज़ा आया या नहीं आया। मैं हनी से आपको हनी के अल्फाज में आपको पूछवाता हूँ। Yes sir, I enjoy so much because the Sargodha called the city of eagles. जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब सरगोधा एक अच्छा शहर है, इधर हर टाइप के देहाती शहरी हर टाइप का बंदा रहता है। मतलब तो बहुत अच्छा शहर है घूमने फिरने का, इसका बड़ा मजा ही है। हाँ, तो सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।